ये काला काला सर नाले का पानी नहीं है दोस्तों। कहाँ जाओ प्रमोशन करने के लिए बताइए। दूर मत जाओ, हमारी सोसाइटी के साथ ही मेट्रो स्टेशन है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। अभी बज रहे हैं 8:25 सुबह के नहीं इवनिंग के। तो गाइस करते हैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। ये अपनी सहेली से बात कर रही हैं और हमको बोल रही हैं कि इस टाइम कि चाय बना दो मेरे लिए। तो हम काम करके थक गए हैं तो चाय बना दो, तो हम चाय बना रहे हैं स्पेशल चाय मन्नू टी कॉर्नर। तो दोस्तों इस चाय वाले ने मन्नू टी स्टॉल ने चाय दे दी है मालकिन को। ये साथ में क्या ये नमक पारे जो भी है, तो वो हम पीते हैं और लेते हैं चाय का लुत्फ। तो गाइज हमारा डिनर आ गया है, वही जो दिन में हमने खाया था फिर से मेरे को दे रही है दो जनों के लिए। हाँ वैसे भी तुषार की तबीयत ख़राब है तो मैंने वैसे अंडे खा लिए थे, तो फिर मैंने कहा यही दे दो, क्यों खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वैसे पनीर है, पनीर तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। हैं जी तो खाते हैं दोस्तों। और साथ साथ में मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ, तो फटाफट करके फिर सोते हैं और आपसे कल सुबह मिलते हैं। मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहा सुबह के 10:00। तो अभी उठ गए हम लोग और अभी हमने अभी निक्की की मतलब तुषार के उसको हम घर पे निक्की कहते हैं, तो तुषार का फीवर तो अब ठीक है, वैसे अब कंट्रोल में है, बट फिर भी हमने कहा एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। बिकॉज क्या है कि अगर हमें एक पता चल जाएगा कि उसको कुछ ऐसा कोरोना वोना कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि वो फिर ना उसको वैक्सीन लगनी है, अगर हमें पता तो है नहीं कि वो है कि नहीं, तो अननेसेसरी 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिर डाउट रहेगा कि कहीं इसको वो तो नहीं था। तो हमने कहा हम करवा लेते हैं, नहीं तो फिर अगर वैसे तो अब ठीक ही है, पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हम लोग वो करवा लेते हैं। तो अभी हमने बुक कर दिया है, वो घर पे आके टेस्ट कर जाएगा, तो कह रहा है कि 10-15 मिनट में पहुंच रहा है यहाँ पे ना। ठीक है तो करते हैं वेट, हमने चाय वाय पी ली है, अब उसका वेट कर रहे हैं हम लोग। उसके आने के बाद ही नहाऊं क्या करना है, हैं चलो ठीक है दोस्तों अब वो आएगा जब ही नहाते हैं। इस टेस्टिंग के लिए बंदा आ गया है तुषार के लिए। इसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, आज आएगी या कल आएगी? 24 आवर्स। तो हो गया दोस्तों, टेस्ट वगैरह लेके करके चला गया, अब 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट आएगी, देखते हैं क्या आता है। चलो अपन भी नहाते हैं और पूजा करते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। तो गाइस हम लोग नहा लिए हैं, हम लोग मतलब मैं नहा लिया हूँ, पूजा कर ली है, नाश्ता दे नहीं रही है, कह रही खुद बना लो और खा लो, ऐसे कैसे होता है, तेरे को किसे लाया हूँ मैं इस घर में। मैंने ऐसे बोला, ये बोल सकती है कुछ भी कर सकती है, ऑडियंस प्रूफ है, मैं ऐसे कभी नहीं बोलती। हाँ तो अभी क्या बनाया है फिर नाश्ते में? पनीर की भुजी। बस सबसे आसान तरीका है पनीर की भुजी, अंडे की भुजी बना के ये पकड़ खा। तुम बना लो कुछ। अरे मैं बनाऊंगा तो फिर तू, मैं बनाऊंगा तो फिर यहाँ लंगर लग जाएंगे, लोबा कहेंगे हम अब यहीं खाएंगे, चाहे पैसे लेके खाएं, देखे नहीं पैसे देखे। सही बोला तुम, देख भैया तू पैसे दे तब हम तेरे हाथ का खाना खाएंगे। ऐसा दोस्तों हम सेक रहे हैं आग, और आग हम इसलिए सेक रहे हैं, ये बंदा ना ये बंदा जो है ये मैं क्या बोलूँ उस बारे बंदे के बारे में, पता नहीं कहाँ से लकड़ी देखो मुँह चुपा रहा है अपना काला मुँह, ये लकड़ियाँ पता नहीं कहाँ से चोर चोर के ला रहा है, ये लोगों की ना घरों की खिड़कियाँ तोड़ तोड़ के ना यहाँ पे डाल रहा है। दोस्तों हम आग सेक रहे हैं और सर्दी के मजे ले रहे हैं, धूप तो है नहीं तो हम ऐसे ही मजे ले रहे हैं। यू आर फास्ट लर्निंग, आई मैं लकड़ी हुए नहीं। पता नहीं क्या बोल रहा है, इग्नोर करो पता नहीं क्या बोल रहा है। तो गाइस अभी हम बाहर से आए हूँ मैं दोस्तों के साथ, था एक्चुअली हमने एक मस्ती भरा एक वीडियो बनाया है, शूट किया है बाहर फ्रेंड के साथ, एक सोशल डिस्टेंसिंग पे मस्ती भरा एक। हो सकता है वो इस वीडियो से पहले आ जाए या इस वीडियो के बाद आ जाए, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी जस्ट करके आया हूँ, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे ही है, एक मिनट के अंदर ही होगा, तो देखते हैं उसको मैं अभी डालूंगा या बाद में डालूंगा। बट मज़ा आया क्योंकि सड़क पे हम पहली बार इस तरीके की फ़नी मस्ती कर रहे थे, क्योंकि मेरे को तो हम तो बेसरम है, हम तो कर सकते हैं, लेकिन जो बंदे नए हैं बेचारे जो वीडियो शूट कर रहे थे ना, शिवा है ना, शिवा हाँ।
तो बेचारा कह रहा एक्चुअली दो शूट करे हमने लेकिन एक में मज़ा नहीं आया तो उसको हम बाद में करेंगे क्योंकि लोग वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई करके आ रहे हैं लोग क्योंकि सोसाइटी के अंदर कर रहे थे तो फिर हम उसको थोड़ा शर्म आ रही थी जो हमारा साथ जो वीडियो बना रहा था तो हमने जो एक मैंने सोचा था बनाने की वो तो मैंने बना लिया तो वो मैं डालूंगा तो अभी मैं जस्ट घर पर आया हूँ और अब हम कर रहे हैं लंच काबुली छोले और राइस तो खाते हैं खाना फिर मेरे को बहुत सारी दोस्तों मेरे को वीडियो डालनी है कुछ प्लान चल रहा था दिमाग में तो कुछ लिखना है तो उस पर बनाना है अपनी जर्नी बाद में आपको बाद में पता चलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस नेक्स्ट डे और सुबह के हो रहे हैं घड़ी बंद है इस पर दिखा रहा हूँ मैं एक्चुअली सेल्फी को गया हाँ सर ये कह रही ये ऐसे घर में ना ऐसे ओढ़ के कान वान सब बंद करके ऐसे लगती है जैसे कोई बहुत बुढ़ी वैसे तो है मैं जवान हूँ पर ये रहती है तो वैसे सुबह के कितने बज रहे हैं मुझे खुद नहीं पता कितने बज रहे हैं भाई 9:30 तो 9:30 हो रही है मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ पूजा वूजा करके अब नाश्ता दे रही है मेरे को नाश्ता क्या है साग बनाया है सुबह सुबह साग यार सुबह सुबह चलो ठीक है नहीं खा लेंगे हाँ हेल्दी हम तो खुद ही हेल्दी हैं देखो दोस्तों कल तुषार की दो टेस्ट करवाया था कोरोना का वो रिपोर्ट आ गई है और पॉजिटिव आ गया है मतलब मैं कितना खुश हो गया बता रहा हूँ नहीं पॉजिटिव आ गया है अब क्या करें अब जब है तो है तो अब अच्छा तो ठीक है वो हमने कराया ही दो तीन दिन के बाद तो ठीक तो नहीं था उसको बट आया माइल्ड है वो तो खैर अब ठीक हो जाएगा अब एक दो दिन में और रेस्ट करेंगे बट इन्होंने मेरा आना जाना बंद करवा दिया बाहर मैंने कहा तुमने मेरा आना जाना बंद करवा दिया बाहर अब मेरे को कह रही बाहर नहीं जाना और उनको फैलेगा ऐसे मैं ठीक हूँ मेरे को लग रहा कहीं दोस्तों कहीं मेरे को लगता है कि मुझे कोरोना हो सकता है मैं खुद कोरोना हूँ एक्चुअली मैंने इनके घर में शादी की थी ना इसलिए मैं मेरे को कोरोना नहीं हो सकता तुम्हारे घर में शादी की है ना मैंने इसलिए मुझे कोरोना नहीं हो सकता क्योंकि इनकी मम्मी का नाम है करुणा समझ रहे हो ना आप करुणा करुणा गाइस इस समय दिल्ली में इतनी भयानक ठंड पड़ रही है समझ लो ये एंटार्क्टिका बना हुआ है वहाँ की पेंगुइन यहाँ आने वाली हैं कुछ दिनों के बाद करी वहाँ से ज़्यादा ठंड तो दिल्ली में हो रही है यहाँ मौसम है हमारे लायक सीरियसली गाइस बहुत ठंड हो रही है मतलब इतनी भयानक शीतलहर चल रही है जितने कपड़े पहने ना उतने कम लग रहे हैं पता नहीं कब ख़त्म होगी ज़्यादा ठंड भी हो जाती है ना तो भी बेकार होती है और ज़्यादा गर्मी होती है तो भी बेकार होती है। आ गया हमारा सरसों का साग और ये मिस्सी रोटी तो वैसा है कि वैसे तो मेरे को बहुत कुछ खिलाती पिलाती है तो मैं सोचा चाय लेकर आई मेरे लिए बहुत खुश हुआ बट और ज़्यादा खुशी तब हुई जब देखा तो ये काला काला सर नाले का पानी नहीं है दोस्तों ये सूप है अरे देखो अरे रुको तुम चुप रहो दोस्तों सूप दे जाता है बाउल में देखो है खुद बाउल में ले रही है हाँ। मैंने आपके लिए बाउल में डाला था पर वो निक्की ने मांगा अरे छोड़ो तुम ये देखो मेरे को दे रही है कप में पहली बार मेरे को कप में सूप मिल रहा है अब इसको मैं किस तरीके से पीऊं भगवान जाने मतलब मेरी है क्या कह रही हो अरे तुम तो क्या बोलूँ मैं दोस्तों मेरी तो इन्होंने वो कर दिया है और साथ में था क्या कह रही है अभी थोड़ी देर पहले कि ना देखो क्या कहते हैं तुम मैं ये मतलब कि मैं निक्की की तबीयत ख़राब है मैं घर पे हूँ मैं तो ऑफिस जा नहीं पा रही तो तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते ऑफिस में जाने की मैंने क्या हेल्प करूँ मैं कर सकता हूँ बट क्या हेल्प करूँ तो सुनो क्या कह रही है मतलब मेरे को मतलब मैं क्या बोल रहा था कि हाँ बताइए अच्छा कहाँ जाओ प्रमोशन करने के लिए बताइए तो वहाँ खड़ा जाऊँ गाइज ये देखो ये कह रही है पता क्या इसलिए मेरे को क्या बोला उस टाइम कि तुम मेरे हम जो हमारा मेट्रो स्टेशन है वहाँ चले जाओ वहाँ इतनी भीड़ आती है तो हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी ना तख्ती लेके खड़े जाओ वहाँ पर ठीक है या ऐसे लेके पर्चा लेके खड़े जाओ कि इंश्योरेंस करवाओ हमसे कि मेरी वाइफ से इंश्योरेंस करवाओ और वो ऐसे ऐसे करो मैंने कहा बताओ यार मतलब मैं क्यों करूँ हमारी कंपनी से इंश्योरेंस कराओ इनके ऑफिस में पहुंचूं मैं मतलब मेरे का तुम्हारा काम थोड़ी है तुम तो क्या कहते हैं वहाँ पे काउंसलिंग में हो तो कह रही तो मैं अपनी कंपनी के लिए जान देना चाहती हूँ मेरे से मेरी क्यों ले रहे हो जान तो गाइस मेरे को ना अभी तख्ती पकड़ के मेरे को वहाँ खड़ी करवाएगी ये लेडीज़ वो जो है ना वो क्या कहते हैं उसको गीजर गर्म हो चुका है बिल आएगा बहुत ज़्यादा हाँ तुम भी खोल रहे हो ऐसा है तुम खोलते रहो दोस्तों क्या दिन आ गए मेरे को कह रही तख्ती पकड़ के वहाँ खड़े हो जाऊँ चलो दोस्तों मैं चला अपनी क्या कहते हैं इनकी ऑफिस की तख्ती पकड़ के वहाँ खड़े होने के लिए मेट्रो स्टेशन पे ये सामने देखो बेटे के लिए रखा हुआ है स्टीम करने के लिए ये ठीक है स्टीमर रखा हुआ है
और मेरे देखो स्टीम करने के लिए क्या लाया गया मेरे लिए, कह रही है ये लो सॉल दालों सिर में और इसमें लो स्टीम। क्या वो आ गया दिन आ गया मेरे, उसको तो बाउल में से जो वो दिया जाता है सूप, मेरे को कप में दिया जाता है। किस्मत खराब हो गई है यार मेरी। अरे वो भी आ गया। बाप रे गाइस पसीने देखो। वैसे दोस्तों जरूरी है स्टीम लेना, चाहे वो कैसे भी लो, चाहे ऐसे लो चाहे वो वैसे लो, जरूरी है। इससे आपके पूरे पोस्चर है ना खुल जाते हैं। वैसे गले में मुझे लग रहा है कि हल्का सा कुछ है तो वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कह रहे हैं 60 डिग्री टेम्परेचर में आपको इसका, जी बिल्कुल मैडम। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको 60 डिग्री टेम्परेचर में आप इनहेल करो तो आपका 90% जो आपके थ्रोट में एक्चुअल में मेन हो रहा है जो कोरोना वगैरह वो डेड हो जाता है। तो हम ले रहे हैं, मैंने कहा हमको हो उससे पहले हम उसको मार देंगे। गाइज अपना आ गया डिनर, और क्या डिनर में बनाया है आज, बहुत दिनों बाद फरमाइश पे बनाया है अंडा करी। अच्छी लगती है मेरे को, इसलिए सिर्फ 6-8 महीने में एक बार बनती है। अच्छी चीज़ लगती है ना वो 6-8 महीने में बनता है हमारे यहाँ। बाकी जितनी ख़राब चीज़ें होती है ना वो हर 2 दिन में बन जाती है। तो गाइस हो गया था डिनर वगैरह कंप्लीट हमारा, और दूध मैं पी नहीं था क्योंकि गले में अजीब सा खराश हो रही है तो और तबीयत कुछ नसासी है। तो एडिटिंग मैं कल करूँगा मॉर्निंग में। तो करते हैं इस ब्लॉग को यही एंड, मिलते हैं फिर जल्दी अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो कर देना लाइक, जो नए लोग हैं देना चैनल को सब्सक्राइब। ओके गाइस बाय, सी यू। I've always dreamed of having a friend that loves me like you do.